नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन की चर्चा करने के लिए जो कि अपने आप में एक सनसनी तो है ही लेकिन इसके साथ साथ भारत के लिए अच्छी खबर भी है सनसनी यह है कि भारत ने अपना मॉरिशस के अंदर एक बेस बना लिया है अब ये बेस बना लिया है कि खबर जैसे ही बाहर आती है तुरंत दिमाग में कई चीजें बनना शुरू हो जाती है कि भारत का पहला बेस है क्या इस जगह क्या होने वाला है क्या भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है क्या जिस देश मॉरिशस में ये बनाया गया है उनका क्या कहना है सारी बातें आज के सेशन में हम आपको डिटेल से बताएंगे उसके साथ साथ यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से भारत ने दुनिया भर में अपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लिए हैं कि यहां ये बेस बनेगा यहां पर हम लोग इस तरह से यहां की बातें सुनेंगे या ये करेंगे तमाम बातें हैं आइए शुरुआत करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों दुनिया भर में जासूसी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम रख चुकी है इंडियन ओशन की जहां तक बात हो इंडिया को घेरने के लिए चाइना की रणनीति किसी से परे नहीं है इंडिया के चारों तरफ चाइना के द्वारा लगभग हर देश पे ही अपना कोई ना कोई ऐसा सिस्टम छोड़ा हुआ है जिससे वो भारत की जासूसी कर सके चाहे फिर बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो इवन जिबूती हो म्यांमार हो, नेपाल, भूटान या सब जगह चाइना इंडिया को घेरने के लिए चारों तरफ से अपने सूत्र लगाकर बैठा हुआ है अब ऐसी स्थिति में अगर चाइना भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है तो भारत की मजबूरी है कि जब भारत को घेरे तो भारत उसको घेर ले यही तो पूरा चक्र दर चक्र बनाने की व्यवस्था है शायद उसी क्रम में भारत इंडियन ओशियन के अंदर मेडागास्कर के नजदीक एक जगह है जहां पर पहुंच चुका है बताएंगे आपको क्योंकि इंडियन ओशियन दुनिया के लिए बहुत मायने योग्य जगह हो चुकी है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एरा एशिया का एरा है और ऐसे समय पर एशिया की बड़ी इकोनॉमीज चाहे फिर इंडिया हो फिर चाहे गल्फ कंट्रीज हों चाहे फिर इस तरफ चाइना हो जापान हो साउथ कोरिया हो ऑस्ट्रेलिया हो आशियान देश हो ये सब कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो इंडियन ओशन पर जिसका कंट्रोल है पहले कहते थे कि जिसका अटलांटिक ओशन पर कनेक्शन है जिसका अटलांटिक ओशन के आसपास जिसका कंट्रोल है वो दुनिया पर राज करेगा यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप एक दूसरे के साथ रहा करते थे लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं ये लोग बूढ़े हो रहे हैं इनके पास आबादी घट रही है रिसोर्सेस फिनिश हो रहे हैं लेकिन दुनिया का जो ग्रोथ

और यहां पर अपना एसेट डिप्लॉयमेंट भी प्रारंभ कर दिया है चलिए बताते हैं उससे पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि हमारा अपना एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला अपनी पाठशाला पर मंथली करंट अफेयर का रिवीजन बैच चल रहा है उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए अपनी पाठशाला पीसीएस पर आरओ एआरओ का बैच हमारी नई टीम के साथ आज अनाउंस किया जा चुका है जाकर आप देख सकते हैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है अभी जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट तैयारी यूपीपीसीएस के विद्यार्थियों को किसकी कराई जा रही है आर ओ एग्जाम की कराई जा रही है जो विद्यार्थी मुझसे हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं इस दिवाली पर जल्दी ही आ रहा है रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच इसमें कंप्लीट आपको सब्जेक्ट मुझ मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे बाकी नोट्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर कनेक्ट रह सकते हैं जहां मेरे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे अपनी पाठशाला गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर सभी जगह उपलब्ध है मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इंडियन ओशन अच्छा एक बात यहां पर समझने की है कि इक्वेटर के आधार पर दुनिया को दो खंडों में बांटा गया है ठीक है अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो जो ऑलमोस्ट यहां से होकर गुजर रही है उस इक्वेटर के उत्तर में नदर्न हेमिसफेयर है उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ और उस इक्वेटर के नीचे की तरफ सदर्न हेमिसफियर है तो इक्वेटर के दक्षिणी हिस्से में आपको जो जगह दिखाई पड़ रही है सदर्न हेमिसफेयर में वहां पर मेडागास्कर के नजदीक अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में एक देश दिखाई पड़ता है जिसका नाम है मॉरीशस ये होने को आइलैंड कंट्री है मिलकर चार बड़े आइलैंड से मिलकर बना है इसका एक आइलैंड है कुछ इस तरफ यानी कि मेडागास्कर के बिल्कुल उत्तर की तरफ जिसका नाम है एगालागा एगालागा आइलैंड उस एगालागा आइलैंड के बारे में सुर्खियां निकलकर आ रही हैं देखिए है, हुआ क्या इसके बारे में पहले इस बात को हल्का सा समझ लेते हैं दुनिया का कोई भी देश अगर अपना मिलिट्री बेस या कोई गुप्त ठिकाना बनाता है तो इसको कभी अनाउंस नहीं करता है यानी कि इस तरह की जानकारी पब्लिक में नहीं निकाली जाती है कि हमने ऐसा कुछ कार्य कर दिया है लेकिन फिर ये खबरें आ कैसे जाती हैं दुनिया में बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत लंबे समय से कतर का न्यूज चैनल है जिसका नाम है अल जजीरा वो यहां का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो उसे ये आइडिया हुआ कि एक करके द्वीप है जिस पर कुछ ना कुछ नया बनता चला जा रहा है उसने शुरुआत से ही क्लेम करना शुरू किया कि ये इंडिया वाले अपना कोई नेवल बेस या एयर एयर बेस यहां पर बना रहे हैं लेकिन ये डिनायल हमेशा मॉरिशस के द्वारा किया जाता रहा कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको मालूम हो कि श्रीलंका में चाइना वाले आकर खड़े होते हैं हम लोग कहते हैं कि चाइना वालों ने अपना एयरबेस यहां पर बना लिया है हम टोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया है श्रीलंका साफ इनकार करता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अपने आप से स्वीकार करने वाली बात नहीं हो सकती ना कि अपने यहां पर किसी और देश को आपने अनुमति दे दी तो इस प्रकार से मॉरिशस भी डिनायल मोड में रहा है लेकिन भाई साहब अल जजीरा ने बायदा इनकी फोटो वीडियो सब निकाली अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा इस देश के बारे में बता दूं मॉरिशस के बारे में मालदीव्स और मॉरिशस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा मालदीव्स उत्तर में स्थित है ये दक्षिण में स्थित है तो मॉरिशस के बारे में थोड़ा जान लीजिए मॉरिशस की आबादी लगभग तेरह लाख है यहां पर पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है अब यहां पर थोड़ा सा एक बात को और जानने योग्य है जो आपको समझनी भी चाहिए यहां की की अधिकांश पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन है यानी पचास परसेंट से ज्यादा लगभग अड़सठ परसेंट जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन से है आपका दिमाग एकदम भन्ना जाएगा बोले भाई यहां पर इंडिया वाले पहुंच कैसे गए और कह रहे हो मेजोरिटी यहां पर है तो मैं आपको बताता हूं देखो क्या था ब्रिटिशर्स के काल में ब्रिटिशर्स इंडिया से ना केवल रिसोर्सेज ले जाते थे बल्कि लोगों को भी अपना दास बना करके उनका व्यापार किया करते थे आपको याद होगा श्रीलंका में भी जो तमिल पहुंचे थे वो असल मायने में श्रीलंका में आए कैसे थे अंग्रेज लेकर आए थे चाय की पत्ती की खेती कराने तब इसको सीलोन कहा जाता था और यहीं पर जब उन तमिल लोगों को लाया गया चाय की पत्ती की खेती के लिए वो यहीं पर बनकर यहीं के रह गए आज वो श्रीलंका के तमिल कहलाते हैं और उन्हीं तमिल और यहाँ के सिंहली जो जाती है मतलब इनकी बौद्ध जो है उनके बीच में संघर्ष हुए हैं अच्छा तो ये तो श्रीलंका की कहानी exactly एग्जैक्टली ऐसे ही अब मॉरिशस के बारे में जानिए मॉरिशस में ब्रिटिशर्स ने गन्ने की खेती करने के लिए भारत से विशेष रूप से बिहार और ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है ना यहां से बड़ी मात्रा में असल में अंग्रेजों का उस समय जो राजकाज था ना वो इस क्षेत्र में बंगाल वाले क्षेत्र में बहुत हुआ करता था अच्छा इंडिया उनके लिए खजाना था खजाना कैसे हम यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से करना जानते थे हमारे यहाँ पर चाहे सूत की खेती हो चाहे मतलब धीरे धीरे कपास जिसको आप कहते हैं खेती नहीं कपास पैदा होता था कपास के साथ साथ फिर चीनी भी यहाँ हो रही है चाय भी यहाँ हो रही है मसाले भी यहाँ हो रहे हैं ब्रिटिशर्स तो जहां रहते थे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं करता था एक प्रकार से ब्रिटिशर्स जिस ठंडी जगह में मरा करते थे वहां पर तो हर चीज का टूटा था तो तभी तो वो यहां आकर मरते थे अब क्या हुआ ये लोग यहां से भारत के लोगों को जहाज में भर करके यहां से लेकर कहां पहुंचते थे पहुंचते थे अब इंटरेस्टिंग बात सोचो आज भी बड़ी मात्रा में इंडिया से लोग निकल करके गल्फ कंट्रीज में नौकरी करने जाते हैं सऊदी अरब जाते हैं यू जाते हैं ओमान जाते हैं कतर जाते हैं बहरेन जाते हैं इन सभी देशों में इंडिया के लोग जाते हैं लेकिन वहां जाने के बाद में उन्हें प्रॉपर तरीके से यहां की सरकार वहां जाने की इजाजत देती है वहां से जब वो पैसा कमा के लौटते हैं तो उन्हें आने की पुनः परमिशन दी जाती है इन देशों के द्वारा उन्हें परमानेंट वहां पर लेबर बना के नहीं रखा जाता ब्रिटिशर्स के काल में क्या होता था यहां से बड़ी मात्रा में लोगों को लेकर मॉरिशस तो गया ले जाया गया लेकिन लौटने के पैसे नहीं दिए गए अब किसी के पास में ऐसी नाव तो है नहीं कि वो ले जाकर के वापस वापस इनको लाकर छोड़ दे तो यहां से लोगों को ले जाया जाता था उनके परिवार के साथ उठा करके और उस प्रकार के लोगों को जिन्हें कहा, तो कहा गया जो यहां से अंग्रेजों के काल में लगभग डेढ़ सौ दो सौ साल पहले जो भारतीय मजदूर मॉरिशस गए थे वो मॉरिशस के ही होकर रह गए अच्छा मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर और बता दूं मॉरिशस में जो लोग गए थे वो लोग गिरमिट पर यानी एग्रीमेंट पर ब्रिटिशर्स के साथ गए थे गिरमिट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी मतलब बहुत बड़ी से मतलब दासता का ही एक और रूप था दास के केस में तो क्या होता था कि दास को आप से बेच सकते थे कि आज मेरा काम निकल गया अब मैंने इसे किसी और को बेच दिया गिरमिट में वो ब्रिटिशर्स के गिरमिट है यानी ब्रिटिशर्स ने अपना उनको एग्रीमेंट करके नौकर बना रखा है एग्रीमेंट चलता रहेगा वो उसके नौकर बने रहेंगे एग्रीमेंट खत्म हो गया तो फिर वो गिरमिट वहीं रह गया उसको किसी और को बेचा जा सकता था यानी कि एक एग्रीमेंट वाला लेबर उदाहरण के लिए आज जैसे अपने घर में लोग नौकरी करने आते हैं उदाहरण के लिए आपके घर में कोई सफाई कर्मचारी आता होगा या घर का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो कोई लेबर आता है तो वो लेबर आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहा वो ओपन मजदूर है है ना लेकिन एक मजदूर है जिसको आपने प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ लिया है अगर आपकी कोई कंपनी चलती है उसको आपने कमिटमेंट दिया है कि इतने साल की नौकरी फिक्स है अब यहां पर तो जो एग्रीमेंट के साथ गए वो थोड़े से उच्च श्रेणी के मजदूर कहलाए लेकिन ब्रिटिशर्स उनके साथ बहुत ज्यादा मतलब जादतियां करते थे कैसी जादतियां मतलब ये बताने योग्य भी नहीं है कि उनकी महिलाओं के साथ उनके बच्चों के साथ उनके साथ क्या यौन अत्याचार यहां पर होते थे बच्चों का व्यापार भी होता था अलग अलग लेवल के स्तर पर यहां पर स्थितियां होती थी खैर अब ये लोग जो गए इसी कारण से यहां पर बोले जाने वाली भाषाओं में प्रमुख भाषा भोजपुरी है है ना यहां पर जो मॉरिशस के अंदर है भोजपुरी का काफी चलन है, इस तो अच्छा, है, है। इसलिए मॉरिशस इंडिया से बहुत ज्यादा सिंपैथी रखता है बहुत ज्यादा अपनत्व रखता है ठीक है तो इस प्रकार से आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं अंग्रेजी में इन गिरमिटिया जो वर्कर्स होते थे इन्हें इंडेंजर्ड नेचर कहा जाता है इंडेंचर वर्कर कहा जाता था ठीक है

मतलब श्री गणेश है वो असल में 2015 में हुआ 2015 में क्या हुआ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपनी विजिट के दौरान मॉरिशस को 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन घोषित की गई क्रेडिट लाइन का मतलब क्या हुआ लोन दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से इसे यूज कर लो यूज नहीं कर रहे हो तो आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा कोई ब्याज नहीं लगेगा आपको यूज करना है तो 500 मिलियन डॉलर आपके पास है इन्हें आप यूज कर सकते हैं और इनके साथ में पांच बड़े पैक्ट साइन किए गए ठीक है 2015 में जब इंडिया ने इनके साथ मॉरिशस के साथ मॉरिशस के डेवलपमेंट का एग्रीमेंट साइन किया तो उसी समय एक एग्रीमेंट इंडिया ने इनके साथ, इनके साथ एक आइलैंड जिसका नाम था एगा लेगा आइलैंड उसके लिए किया उन्होंने कहा मतलब भारत की तरफ से क्या डील रखी गई कि हम इसको अपग्रेड करेंगे यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकि यहां से समुद्र की समुन्दर की और हवा की यानी कि एयर कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके ऐसा के भारत ने यहां पर अपना पांव रखा इस तरह से भारत धीरे धीरे इस क्षेत्र के अंदर अपनी कोस्ट गार्ड सर्विस इंडियन नेवल सर्विस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर चुका तो एक प्रकार से एगा लेगा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर भारत क्या कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटी जेटी बोले तो छोटे छोटे जो ब्रिजेस जो कनेक्ट करने वाले हैं रीबिल्डिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ दी रनवेज एंड बिल्डिंग एंड एयरपोर्ट टर्मिनल जो यहां पर इंडिया के द्वारा किया जा रहा है यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है लगभग सत्तर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है आप इसे मैप पर इस प्रकार से देख सकते हैं एक इस तरह का आपको एगालेगा लेगा आइलैंड दिखाई जा सकता है यानी कि अगर हम मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में चार बड़े आइलैंड में मॉरिशस है उनके बाद में एगा लेगा चौथा बड़ा आइलैंड है इसके अलावा सेंट ब्रेंडॉन भी एक इनके यहां पर आइलैंड है और साथ में इनका एक आइलैंड यहां पर रोड्रस करके है तो आइलैंड इनके पास में इस प्रकार से है ठीक है अच्छा अब सवाल बनता है कि इंडियन ओशन के अंदर क्या भारत को इकलौता मॉरिशस का एगालेगा आइलैंड ही मिला के द्वारा जब चाइना के द्वारा इस तरह की कोशिशें की जा रही थी तो इंडिया ने बड़ा सोच समझ करके निर्णय लिया क्या कि चाइना भले ही श्रीलंका में आकर बैठ जाए उसके लिए तो हमारी लगभग पचहत्तर किलोमीटर की कोस्ट लाइन ही काफी है उसको काउंटर करने के लिए लेकिन चाइना जब हमारे आसपास आके जमेगा तो उसको चारों तरफ से घेरने के लिए हमने प्लानिंग करी और उस प्लानिंग में हमने दक्षिण की तरफ उतरकर इंडियन ओशन के दक्षिण हिस्से में उतर करके जैसे डियागो गार्सिया ये यू, मतलब यूके और अमेरिका वालों का कनेक्शन है डियागो गार्सिया में या छोटे छोटे बड़े आईलैंड है, है ना तो मॉरिशस का एगा लेगा तो अपन ने पकड़ ही लिया ऐसे ही यहां पर एक देश है जिसका नाम है शेषेल्स शेषल्स का एक आइलैंड है जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड। हमने यहां पर भी अजम्पशन आइलैंड के अंदर भी कहा कि हम अपनी एयर स्ट्रिप बनाएंगे यहां पर डॉकिंग फैसिलिटी डॉकिंग का मतलब पानी का जहाज जाएगा लंगर डाल करके खड़ा हो जाएगा

अच्छा भारत ने और क्या किया मॉरिशस के साथ मॉरिशस को 2020 में हमने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट बना करके दी और उसमें भी हमने अपनी तरफ से मदद दी बकायदा प्रधानमंत्री ने इनकी सुप्रीम कोर्ट के इनोग्रेशन पर भाषण भी दिया कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि हमने 2015 में जो एगालेगा आइलैंड की बात शुरू की थी वो अब यहां पर बनकर तैयार हो गया है और यहां पर एसेट डिप्लॉयमेंट का, का काम शुरू हो रहा है हालांकि मॉरिशस इस बात का पूर्ण तरह से इनकार करता है अब यह जानकारी बाहर कैसे आई बाहर इस तरह से आई कि भारत का हाल ही में एक नेवी का शिप हाल ही में यहां पर पहुंचा है कहां पर पहुंचा है इनकी राजधानी पोर्ट फिलिप के अंदर पोर्ट लुइस के अंदर पहुंचा है यहां पहुंच करके बकायदा स्पेस कॉपरेशन डील को भी आगे बढ़ा रहा है आईएनएस शारदा यहां पर गया हुआ है हाल ही में भारत के एक मंत्री महोदय भी यहां पर गए हुए हैं इसी बीच में आपके दिमाग में क्यूरोसिटी बढ़ेगी भारत ने क्या कहीं जिस प्रकार से चीन के द्वारा इतने सारे बेसिस बनाए हुए हैं क्या भारत भी कहीं कोई अपना बेस वेस बनाता है क्या बिल्कुल बनाता है कहां कहां पे है जैसे ताजिकिस्तान में फरकोर नामक स्थान है जहां पर भारत की एयरबेस बनी हुई है ऐसे ही भूटान के अंदर इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम का एक मतलब स्कूल बना हुआ है जहां पर हम लोग भूटान में अपनी ट्रेनिंग एकेडमी चलाते हैं मेडागास्कर के अंदर हमने लिसनिंग और रडार फैसिलिटी लगा रखी है ओमान के अंदर हमने इंडियन नेवी के लिए मस्कट के अंदर एक बेस बनाया हुआ है ऐसे ही मॉरिशस के अंदर हमने अपनी तरफ से अपने लोग भेजे थे लेकिन वहां की जो सरकार है मतलब सॉरी मालदीव के अंदर मॉरिशस के अंदर तो अंदर अजमशन आइलैंड है मालदीव के अंदर मिलिट्री पर्सनल्स हमने नियुक्त किए थे जहां जो आया है वो आपस उनको भेजने की जो बात कर रहा है ऐसे ही श्रीलंका के अंदर भी भारत के द्वारा अपने लेवल पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है नेपाल के अंदर सुरकेट के अंदर इंडिया का एयरफोर्स बेस है ऐसे ही सिंगापुर के अंदर भी भारत का चांगी नेवल बेस है जहां से हम स्टेट ऑफ मलक्का पर अपनी नेवी के लिए सपोर्ट तैयार करते हैं ठीक है इंडिया कई जगह इंडियन ओशन के आसपास क्षेत्रों में ऑपरेटिव है और काम कर रहा है यानी अगर हम एशिया की बात करें तो इंडिया अपने आप को कई जगह पर विस्तारित कर चुका है अपने बेसिस बना चुका है ठीक है तो भारत की तरफ से मॉरिशस के एगालेगा द्वीप के अंदर जो मिलिट्री बेस का निर्माण है अब वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है यह खबर कैसे बाहर आई जब भारत का भारतीय नौसेना का एक जहाज आईएनएस शारदा पोर्ट लुइस की यात्रा पर हाल ही में निकलकर पहुंचा तो यही आइडिया लगाया गया कि हमारा इंडियन नेवी का जब जहाज यहां पहुंचा है तो निश्चित ही वो इस क्षेत्र के लिए ही भेजा गया है इस प्रकार से ये न्यूज को रिलेट करके बाहर निकाला गया ठीक है इसी बीच में भारत के एक मंत्री महोदय जिनका नाम है मुरलीधरन वो भी मॉरिशस में हाल ही में पहुंचे हैं क्यों पहुंचे हैं क्योंकि यहां पर अराइवल ऑफ इंडेंजर्ड लेबर जो है उनका एनिवर्सरी कार्यक्रम मनाया जा रहा है अब आप इस बात को समझिएगा जो जो गिरमिटिया लेबर लेबर मैंने आपको बताए जिनको अंग्रेजी में कहा जा रहा है इंडेंचर। इंडेंचर जो नेबर है उसका एनिवर्सरी कार्यक्रम है जिसमें भारत के मंत्री महोदय पहुंचे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी जयशंकर साहब का जो विभाग मंत्रालय है उसके ये राज्य मंत्री हैं मुरलीधरन जी ये यहां पर पहुंचे हैं एक सौ नवासीवी एनिवर्सरी मनाने यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के मजदूरों को आज से एक सौ नवासी साल पहले ले जाया गया था नवंबर दो के दिन इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है यानी ये लोग याद करते हैं कि हमें उस दिन गिरमिटिया पद्धति के माध्यम से लाया गया था ड्यूरिंग हिज विजिट मुरलीधरन विल होल्ड द मीटिंग मॉरिशियन लीडरशिप एंड इनोग्रेट टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें आठ मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी यहां पर निर्माण किया जा रहा है तो यहां पर मुरलीधरन जी यहां के नेताओं से मिलते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं हमने और क्या घोषणा करी हमने हमारे आईएनएस शारदा को तो पोर्ट लोइस का दौरा करा ही दिया हमने साथ में यह भी कह दिया कि मॉरिशस के अंदर हम अपना एक प्रॉपर सैटेलाइट बेस भी बनाएंगे ठीक है ना यहां पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का भी विकास किया जाएगा सो so दैट हम इस क्षेत्र के अंदर अपना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से रख सके इंडिया के द्वारा मॉरिशस के अंदर ऑब्जर्वेशन की पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी साथ ही में यहां पर हम सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात करेंगे ये है वो एगा द्वीप जहां की तस्वीरें समय समय के साथ बदलते हुए दिखाई पड़ रही है पहले कुछ नहीं था पहले इतना सा ही एयर स्ट्रिप था अब ये एयर स्ट्रिप एक और बड़ा एयर स्ट्रिप यहां पर बनकर तैयार हो गया है ये कुछ इस प्रकार से द्वीप है जहां पर कंस्ट्रक्शन होती हुई साइट इस प्रकार से दिखाई पड़ रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स के अकोमोडेशन यहां पर बनी हुई जेटीज़, यहां पर प्रॉपर तरीके से कमांड एरियाज तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं इसी वजह से अनाउंस हुआ कि इंडिया ने अपना मिलिट्री बेस यहां पर बना लिया है और बकायदा भारत ने अपनी तरफ से पी एट आई नामक जो सर्विलांस के लिए रखा गया एयरक्राफ्ट है वो भी यहां तैनात कर दिया है बोले यहां से सबमरीन के ऊपर एंटी सबमरीन के लिए रडार सिस्टम के माध्यम से पानी के भीतर चल रही सबमरीन को ट्रैक कर सकता है और बता सकता है कि भैया कहां कौन सी सबमरीन चल रही है भारत ने उसे भी यहां पर तैनात कर दिया है तो एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए हमने अपना पी एट आई यहां पर तैनात कर दिया है उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी अब बात सवाल यह बनती है क्या इस प्रोजेक्ट का कहीं कोई विरोध नहीं हुआ सुर्खियों में कहीं आया क्यों नहीं क्या चीन ने कोई हरकत नहीं चली क्या हुआ लोगों ने यहां विरोध किया लेकिन एगालेगा में असल में रहने वाले लोगों की संख्या कुल मिलाकर 300 ही थी उनका प्रोटेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर न्यूज नहीं बन पाया लेकिन अल जजीरा की खोजी पत्रकारिता इसे भी खोज लाई और बताया कि देखिए इंडिया वालों ने अपना प्रॉपर तरीके से यहां पर बेस बना लिया है और ये लोग प्रॉपर तरीके से अपना सीक्रेट बेस तैयार कर रहे हैं हालांकि मॉरीशस सरकार से जब पूछा गया उन्होंने कहा साफ-साफ तरीके से कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है साहब हमारे लिए द्वारा इंडिया के साथ में ऐसा कोई भी चीज तैयार नहीं किया गया है आप इसको यहां पर देख सकते हैं यहां पर अल जजीरा ने बकायदा रिपोर्ट कवर करके बताया कि मॉरिशस एक जमाने में इंडियन ओशन के अंदर एक टूरिज्म स्पॉट की जगह हुआ करती थी एग्रीकल्चर बेस्ड एक कंट्री था जो धीरे धीरे टूरिज्म के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया लेकिन आज यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है इनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में अल जजीरा वालों ने यह पाया कि यहां के एक आइलैंड के ऊपर निरंतर निर्माण कार्य चल रहे हैं और निर्माण कार्यों की जो संख्या है वह निरंतर बढ़ती जा रही है यहां के लोकल लोगों को डर है कि उन्हें यहां से हटाकर कहीं और भेज दिया जाएगा इतना ही नहीं इन्होंने ये तक कहा कि शुरुआती तौर पर तो यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह निर्माण कार्य हो किसके लिए रहा है मॉरिशस सरकार केवल यह कह रही थी कि इन लोगों की मदद के लिए हम यहां एयर स्ट्रिप बना रहे हैं लेकिन बने हुए नए नए घर यहां पर रहने की जो फैसिलिटीज हैं उन्हें देखकर यही प्रतीत होता है कि भारत ने अपना जो दो में एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ किया था उसके बाद से ही इस आइलैंड के ऊपर सीक्रेट रूप से बेसिस बनाना शुरू किया गया जिसके चलते हुए इन बेसिस के आसपास के क्षेत्रों में बकायदा क्रेन्स का दिखाई देना शुरू हुआ बड़े बड़े जहाजों का दिखाई देना शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का बढ़ना शुरू हुआ फॉरेन माइग्रेंट्स का यहां पर दिखाई देना शुरू हुआ जिसकी वजह से यहां के लोगों के अंदर भी तनाव की स्थिति बनी हुई है ऐसा किसका कहना है अल जजीरा की खोजी पत्रकारिता का कहना है ठीक है उम्मीद है कि आपको यह तो अब तक समझ में आ ही गया होगा कि यह जो पूरी घटना हुई है इस पूरी घटना में भारत का तो भला ही है लेकिन जितना ज्यादा ये सुर्खियां बनती हैं उतना ज्यादा लोग इसके बारे में अवॉइड करते चले जाते हैं यानी कोई भी देश खुलकर इस बात को नहीं बताता जैसे भारत किसी देश के अंदर जाकर के सर्जिकल कर स्ट्राइक कराए तो कोई स्वीकार नहीं करता है कि हमने ऐसा किया है या फिर हमारे यहां ऐसा हुआ है कुछ वैसा ही है घटना है ठीक है उम्मीद है आपको यह सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो अगर जानकारी आपको समझ में आई है तो कृपया करके सभी साथियों के साथ साझा करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारे द्वारा अपने एक टीम जो कि आप ही लोगों के बीच में से तैयार की गई विद्यार्थियों में से निकाली गई टीम जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई ट्रेनिंग के साथ में उनका प्रॉपर प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट किया गया आज मैंने उसे लॉन्च किया है अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है यूट्यूब चैनल है यहां पर आर ओ ए आर ओ परीक्षा के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही बेहतरीन एग्जाम परीक्षा मानी गई है उसके लिए हमारी टीम निशुल्क रूप से आपको नियमित रूप से यहां पर क्लासेस पढ़ाने वाली है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कल सुबह आठ बजे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी आप जाकर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है जाकर आप बढ़िया से अपना इसका एक्सेस करिए बाकी जो लोग मुझसे हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक रुद्र मतलब जीएस फाउंडेशन बैच डेडिकेटेड बैच आ रहा है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी को इसी दिवाली के अवसर पर आपके सामने हम हाजिर करने वाले हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मेरे अपने नोट्स आर एस के जो मेंस के नोट्स हैं आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं अपनी पाठशाला के एप्लीकेशन से जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है आपका समय शुभ हो धन्यवाद